गोविंद भगवान की, विभुगाजी महाराज की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गो, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी बंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान, पैदा होगा सप्तऋषि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। महाराज 9 महीने के बाद कढ़ाई खोली गई, बुजुर्गों याद रखना, सांप के पेट से कढ़ाई से एक मूसल निकला, यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया, जिससे एरको नाम की घास बनी, एरको नाम की घास बनी है। जरा सी कील बची, उस कील को नदी में फेंक दिया, एक मछली ने उस कील को निगल लिया। यादवों में जरा सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, भगवान और बलराम दोनों बचाने के लिए चले, यादवों की बुद्धि ऐसी बिगड़ी, भगवान पे घात करने के लिए भागे। जब भगवान पर घात करने के लिए भागे तो भगवान बोले भैया इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ने क्या किया, दादा आज बलराम जी शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में पहुंचे, ऐसे युद्ध बड़ा, इतना नहीं इतना युद्ध बड़ा है कि महाराज 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी, 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस युद्ध में मारे गए।